नमस्कार। अगर दिल में कुछ करने का जज्बा हो ना, तो कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी मुश्किलें आए जीवन में, लेकिन अगर आपको कुछ करने का जज्बा हो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। यह जो शख्स देख रहे होंगे आप, यह शख्स रेलवे स्टेशन पर कूली का काम करते हुए आईएएस अफसर बने हैं। आप विश्वास कर सकते हो? लोग सफल होने के लिए संसाधनों का रोना रोते हैं, कहते हैं कि मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, वरना तो मैं यह कर लेता। मेरे पास पैसे नहीं थे, वरना मैं यह कर लेता। मेरे पास समय नहीं है, वरना मैं यह कर लेता। ये सारे बहाने बनाना बंद कीजिए। अगर ये सब बहाने आपके पास है ना, तो एक बार इस शख्स की स्टोरी पढ़ लेना, आपकी आंखें फट जाएगी। इन शख्स के पास में ना तो कोई संसाधन थे पढ़ने के लिए, परिवार की जिम्मेदारी थी और ना इनके पास समय था पढ़ने के लिए, फिर भी इन्होंने समय निकाला। इतनी सारी मजबूरियां होते हुए भी इनके मन में कुछ करने का जज्बा था और इन्होंने कर दिखाया और आज ये आईएएस बन चुके हैं। इसलिए अपने जीवन में हजारों मुश्किलें आए, लेकिन अगर आपके अंदर कुछ जज्बा है, तो आप कुछ न कुछ कर सकते हो। संसाधनों का रोना मत रोइए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। ऑल दिस इज रिडिकुलस। अगर आपके पास कुछ करने का जज्बा है ना, तो ये सारे संसाधन बोने पड़ जाएंगे आपके सामने। अब इनकी स्टोरी क्या है आज मैं आपको बताऊंगा। जब इनकी स्टोरी आप पढ़ोगे ना, तो आप खुद सोचोगे कि यार हमारे पास तो इनसे तो बेहतर है, हम कुछ कर सकते हैं। इनके पास इतनी सारी चीजें न होते हुए भी इन्होंने संघर्ष से सफलता पाई। देखिए, केरल के मुन्नार के रहने वाले श्रीनाथ अपने परिवार में अकेले हैं। परिवार चलाने की पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। इनके पास आर्थिक साधन और कोई दूसरा नहीं था, सिर्फ ये अकेले कमाने वाले थे और ये अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। 2018 में एक टर्निंग पॉइंट इनके जीवन में आया। ये कुली का काम कर रहे थे। कुली का काम करते करते इनके जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी। इनके एक बेटी है, इनकी बेटी को छोटी छोटी चीजों के लिए समझौता करना पड़ रहा था जीवन से। जब यह सब इन्होंने देखा अपनी बेटी के लिए, तो इनको लगा कि आज मेरी बेटी छोटी है, लेकिन जब ये बड़ी होगी तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी बेटी आने वाले भविष्य में छोटी छोटी चीजों के लिए समझौता करे। तो इन्होंने सोचा कि इसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी जी तोड़। तो इन्होंने 2018 में जी तोड़ मेहनत करने की सोची और यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने की सोची। लेकिन जब सोच तो लिया, लेकिन क्या इतना समय था कि वो पढ़ सके? क्या वो कोई जरिया था जो इनके परिवार का गुजारा चल सके उससे? नहीं, सब कुछ इन्हीं को करना था और इन्होंने किया। इनको लगा कि कड़ी मेहनत करनी चाहिए और इन्होंने की। फिर यूपीएससी की तैयारी करने लगे। कोचिंग के पैसे नहीं थे और कोचिंग करने का समय नहीं था। देखिए, सबसे बड़ी बात, कुली का काम करते थे रेलवे स्टेशन पर, सबसे बड़ी बात तो कोचिंग के पैसे नहीं थे। चलो, कोचिंग के पैसे भी आ जाए तो टाइम कहाँ था? जब अगर कोचिंग करने लगे तो इनका परिवार का खर्च कौन चलाएगा? चारों तरफ से मुश्किलें थी। ना तो कोचिंग के पैसे थे, ना कोचिंग के लिए टाइम था। फिर भी इनको मन में लगन था कि मेरे को यूपीएससी की तैयारी करनी और एग्जाम क्लियर करना है। 2016 में मुंबई रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई की सेवा शुरू हुई। अब देखिए, इनके जीवन में टर्निंग पॉइंट आया 2016 में। मुंबई में रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई सेवा शुरू हुई। तब रेलवे स्टेशन पर ये कूली का काम करते हुए स्मार्टफोन पर ऑनलाइन लेक्चर सुनते और डाउनलोड करते। ये कूली का भी काम करते, काम करते करते कानों में ईयरफोन लगा के रहते और ऑनलाइन लेक्चर सुनते, और अगर कोई लेक्चर अच्छा लगता तो उनको डाउनलोड भी करते और घर पे पढ़ाई करते।
और रेलवे स्टेशन पर जब इनके पास कुली का काम नहीं होता था, जब फ्री बैठे रहते थे, उस वक्त ये दूसरे दोस्तों के साथ में बातें नहीं करते थे। उस वक्त ये अकेले बैठकर फोन में लेक्चर सुनते और अगर अच्छा लगता तो लेक्चर डाउनलोड करते और बार बार रिविजन करते। देखिए इनके संघर्ष की गाथा। कुली का काम भी डबल शिफ्ट में करते थे क्योंकि एक शिफ्ट से घर खर्च नहीं चल रहा था। अब देखिए पॉइंट के बाद, पढ़ने के लिए समय कहां था इनके पास में, कुली का काम कर रहे थे, एक शिफ्ट से इनके परिवार का घर खर्च नहीं चल रहा था, दो दो शिफ्टों में कुली का काम करते थे, दो दो शिफ्टों में कुली का काम करते हुए भी ये पढ़ाई कर रहे थे और जी तोड़ मेहनत कर रहे थे इस एग्जाम के लिए, क्योंकि उनको पता था कि आज की मेहनत आने वाले टाइम में सफल होगी। जब भी फ्री होते रेलवे स्टेशन पर पढ़ने लग जाते और ऑनलाइन क्लासे का लेक्चर सुनने लग जाते थे। फिर देखिए चौथे प्रयास में यूपीएससी पास की और आईएएस बने। आखिर इनकी मेहनत रंग लाई और फोर्थ अटेम्प्ट में यूपीएससी पास की और आईएएस बने। देखिए आप जीवन में कितनी मुश्किलें आए, हजारों मुश्किलें आए, लेकिन जीवन में इनकी कहानी देखकर देखना, कभी ऐसा मत करना कि संसाधनों का रोना मत रोना सफल होने के लिए, कि मेरे पास ये होता तो मैं वो कर लेता, ये होता तो वो कर लेता। ये सारी चीजें आपके लिए गौण है अगर इनकी कहानी आप देखोगे तो। इसी के साथ आज यही, मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूंगा।